Hey everyone, this is Sapna and you guys are watching Be Original, Be Yourself. जहां मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ फिटनेस. सो मैंने इसके पहले जो है 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब लड़के वाले आपको देखने आए तो आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें. एंड वो जो वीडियो था मेरा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है लोगों ने पसंद किया है. एंड उसमें बहुत सारे जो है गर्ल्स ने अपने अपने कुछ पर्सनल डाउट्स, क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे हैं. तो आज मैं इस वीडियो में जो है उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो भी डाउट्स आपके मन में आए हैं उन वीडियोज़ को देख के. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ जब लड़के वाले देखने आए तो आप कैसे तैयार हों. सो विदाउट एनी फर्दर अंडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मुझे जो है एक अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया है कि आपने बताया है कि 10-15 दिन पहले से अपने आप को जो है वो मतलब स्किन अपनी जो है प्रिपरेशन करें, ऑयल वगैरह लगाएं, मसाज करें, धूप में ना जाएं. और लेकिन कभी कभी मुझे जो है अचानक से कॉल आ जाता है कि हाँ हम कल आपको देखने आने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करें. सो ऐसे सिचुएशंस के लिए जो सबसे क्विक रेमेडी है वो है कि आप अपने पास हमेशा जो है एक स्क्रब रखें. मेरे पास बेसिकली 2 स्क्रब हैं, एक एवरयूथ का और एक हिमालया का. नीम स्क्रब, एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब, ये 2 स्क्रब बेसिकली मेरी स्किन टाइप को सूट करती है. ज़्यादातर मैं जो है एवरयूथ के साथ ही जाती हूँ. सो वैसे भी रोज संडे वगैरह को जो है हफ्ते में एक बार यू नीड टू क्लियर योर स्किन, तो मैं जो है स्क्रब संडे टू संडे करती रहती हूँ. और वैसे भी अगर आपको किसी स्पेशल पार्टी फंक्शन के लिए अचानक से रेडी होना है, एक दिन पहले आपको पता चलता है, तो आप रात में जो है अपनी स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं. आप स्क्रब कर लीजिए अपने फेस को, बस उसके बाद बेसन सबके घर में होता है, बेसन में थोड़ा सा दूध मिलाइए या गुलाब जल मिलाइए और उसे अपने फेस पे फेस पैक की तरह लगाइए एंड यू आर रेडी टू शाइन. सो ये एक क्विक रेमेडी है. अगर आप पार्लर वगैरह नहीं जा पाए हैं तो आप जो है घर में ही अपना खुद का स्क्रब कर सकते हैं. ओके, सो एक और सवाल था कि मैं सांवली हूँ तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूँ, किस तरह के कपड़े मेरे ऊपर सूट करेंगे. एक्चुअली ये जो सवाल है डस्की स्किन वाले, मेरा भी स्किन जो है वो सांवला ही है. सो ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं कि जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जब हम लड़कों वालों के सामने दिख रहे हैं तो हम अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हमारा जो सांवलापन है वो अच्छा, मतलब कि ज़्यादा ओवर ना लगे, हम उसके साथ भी जो है वो अच्छे लगे, ग्रेस जो है वो आना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, है ना. हमारा जो कलर है वी कैन नॉट चेंज आवर कलर, तो हमें जो है अपने इस कलर को एज अ कॉम्प्लीमेंट लेके चलना चाहिए और इसके हिसाब से जो है हमें अपनी ड्रेसेस को अरेंज करना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी जो कलर्स जो है डस्की स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. द फर्स्ट इज मस्टर्ड येलो कलर. मस्टर्ड येलो कलर जो है डस्की स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. मैंने अभी हाल फिलहाल में जो एक ड्रेस बनवाई है अपने लिए मस्टर्ड येलो कलर की, एक गरारा बनवाया है हल्दी में पहनने के लिए एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड द सेकेंड कलर इज ग्रे कलर. इट्स सदाबहार कलर, आप ग्रे कलर में इन्वेस्ट कीजिए. आप जो है कभी भी डस्की स्किन वालों पे ऐसा कभी नहीं होगा. मेरे पास 3-4 कपड़े हैं ग्रे कलर में और वो सबके सब जो है मेरे ऊपर दे जस्ट लुक वाओ. सिंपल हो या मतलब हैवी हो, डजेंट मैटर, ग्रे जो कलर है वो डस्की स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है. द नेक्स्ट इज मरून कलर. मरून कलर भी जो है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है. पर्पल कलर, पर्पल कलर या जब आप पर्पल कलर के साथ कोई ड्रेस बनाए तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि वो कलर जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए. पर्पल का जो एक मीडियम शेड होगा वो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा लग सकता है. एंड नेक्स्ट आप ऑरेंज कलर के साथ जा सकते हैं, आप नेवी ब्लू कलर के साथ जा सकते हैं, आप बेज कलर, गोल्डन जो लाइट येलो बेज आइवरी कलर होता है उसके साथ भी जा सकते हैं. ये सारे कलर्स जो हैं डस्की स्किन वालों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. जो मैंने फर्स्ट आंसर दिया था वो इस बेसिस पे था कि आप जब अगर अचानक से कोई आपको देखने आने वाला है तो आप अपनी स्किन के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं. बट हर बार ऐसा होता है, यस, कभी कभी लोग जो है अचानक से आने वाले होते हैं, तो आप अपने पास हमेशा कुछ कपड़े जो है एकदम उनको अच्छे से, आप जो भी आपके कपड़े हैं, साड़ी, सूट या जो भी जिसमें आप अपने आप को मतलब जो भी आप कैरी करना चाहते हैं उस दिन, वो सारे कपड़े जो है आप 5-6 कपड़े जो है वो सेलेक्ट कीजिए और उनको हमेशा के लिए जो अच्छे से धो के आयरन वगैरह करके उन्हें आप सेट लगा के रख दीजिए कि इन केस इमरजेंसी में कभी भी अगर कोई आए तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े. उनमें से आप कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट करें उस सिचुएशन के हिसाब से एंड जस्ट गेट रेडी. ये मेरी जो है टिप नंबर 4 थी.
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वन गर्ल वॉज आस्किंग कि क्या मैं गाउन पहन सकती हूँ या नहीं, वो भी अनारकली जैसा दिखता है. तो इट्स ओके, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, इनफैक्ट आप मॉडर्न ड्रेसेस भी पहन सकते हैं. इट डिपेंड्स कि जो लोग देखने आने वाले हैं उनके बारे में एक हल्का सा आइडिया तो होता ही है कि उनकी फैमिली कितनी मॉडर्न है या उनको किस तरह के जो है वो लड़की चाहिए एंड ऑल दैट. उस चीज़ को ध्यान में रख के आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं. एंड द फैक्ट मैटर इज योर कॉन्फिडेंस. आप कॉन्फिडेंट रहिए कि यस, आपने जो पहना है उसमें आप सबसे सुंदर लग रही हैं. एंड उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आई थिंक कि जब ये सारी चीज़ें चलती हैं इस तरह के मैटर्स में, सिर्फ एक ड्रेस या फिर एक लुक को देख के जो है जज नहीं करना चाहिए हमें या सामने वाले को कि हम इसके साथ पूरा अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं नहीं. उसके अलावा बातें भी मायने रखती हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं. सो लेट मी टेल यू, बात अगर कॉन्फिडेंस की जाए तो आपको घबराना नहीं है. यू डोंट नीड टू बी पैनिक, आपको डरना नहीं है. वो आपका इट्स नॉट योर एग्जाम गोइंग ऑन, इट्स अबाउट योर लाइफ, आपके लाइफ का सवाल है. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स. वो जो भी सवाल पूछे आप उनका क्या जवाब देते हैं, आप जो फील करते हैं, व्हाट यू आर, आप जो हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए. अच्छा, तो आप अपने आप को जो भी आपकी इंडिविजुअलिटी है आप उसे कभी भी चेंज मत कीजिएगा कभी किसी के लिए कि हाँ मुझे ये पसंद कर ले इसके लिए मैं जो हूँ मैं अपने आप को बदल लूँ. नो, बिकॉज आप लाइफ टाइम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं. सो आप कोशिश कीजिए कि आप जो हैं, अगर आप मॉडर्न हैं तो आप अपने आप को मॉडर्न तरीके से ही रिप्रेजेंट कीजिए. अगर आप थोड़ा सा देसी टाइप्स हैं तो आप अपने आप को देसी टाइप्स में ही रिप्रेजेंट कीजिए, बिकॉज आपको फिर लाइफ टाइम उस चीज़ को कैरी करना है, राइट. तो आप जिस चीज में भी कंफर्टेबल हैं आप अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए. एंड रेस्ट तो जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे. तो इसके अलावा गर्ल्स, अगर आपको ये जानना है कि आप अपने स्किन को कैसे प्रिपेयर करें, आप अपने बालों के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसेस के लिए क्या कर सकते हैं, सो मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है इन सारे टॉपिक्स पे बना रखे हैं. मैं उन सारे वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इसके अलावा अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है, कुछ आप अपने मन में कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जस्ट राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी. आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही. हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. Bye guys, love you all.